हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है एंड फ्रेंड्स, लर्निंग मार्केट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम है वो अपने नाम से जोड़ दिया, अभी लर्निंग मार्केट डॉट अभी लर्निंग मार्केट है। ओके, एंड ग्रुप का भी नाम मैंने चेंज कर दिया अभी लर्निंग मार्केट, ताकि कंफ्यूजन हो जाता है जो नए यूजर होते हैं। एंड जो हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी अभी लर्निंग मार्केट। ओके, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड हमने चैनल का भी नाम चेंज कर दिया। एंड कुछ दिन के बाद मैं इंस्टाग्राम आईडी बनाऊंगा, तो वहां पर मैं बहुत ही छोटे छोटे, जैसे ये 2 मिनट 55 सेकंड का वीडियो है, ऐसे शॉर्ट वाली वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करता रहूंगा। तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, यूट्यूब से ज्यादा उधर भी हेल्प मिलेगा आपको। ओके, तो ये एक छोटा सा अपडेट था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एंड माई डियर फ्रेंड्स, अभी जो हो रहा है, टाइम हो रहा है, टाइम तो बज के 30 मिनट। ओके, थर्सडे 2:30। तो यहाँ पर सिंपल मैं आपको प्रिडिक्शन करके बताने वाला हूँ एंड देखते हैं कोई ट्रेंड निकलता है या नहीं निकलता है। अगर कोई ट्रेंड नहीं निकलेगा इस वीडियो में, तो जो हमने पोस्ट किया था एंड प्रीवियस डे के, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा अभी, कैसे आप बाय कर सकते हैं। यस, स्ट्रॉन्ग सप्लाई, बाय पोजिशन स्ट्रॉन्ग डिमांड, जो से कैसे आप बाय कर सकते हैं इजिली। ओके, एंड ऑलरेडी जो है वो हमने प्रॉफिट जो बुक कर लिया आज का। यहाँ पर मैं एक वीडियो शॉर्ट में देता रहूंगा, ताकि लोगों को ये कंफ्यूजन ना हो कि स्क्रीन शॉट वगैरह ये कोई कभी ऐसा दिमाग में आता है फेक है वगैरह। तो उसके लिए मैं वीडियो शॉर्ट भी यहाँ पर अपलोड करता रहूंगा, ताकि आपको सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर रहे। ओके, तो ये मैंने आज 3 ट्रेड लिया था और तीनों ट्रेड का डिटेल्स मैं इस यहाँ पर मैंने अपडेट किया स्टेप बाय। ये लास्ट ट्रेड हमारा अपोलो हॉस्पिटल में, एंड ये सेकंड ट्रेड यानी ट्रेड टू है, एंड ट्रेड फर्स्ट ये रहा, एंड ये फर्स्ट ट्रेड था जो कि हमने टाटा में लिया था, टीसीएस, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बता दिया फ्रेंड, एंड एवरी डे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट आपको कॉन्फर्मेशन एंड चीज़ों को सबसे पहले समझ लीजिए, थोड़ा वक्त लगा के इन्वेस्ट कीजिए अपने ऊपर फ्रेंड्स। यूट्यूब से या गूगल पे सर्च करने से अच्छा बेहतर ये है कि अपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें अपनी सेटअप के साथ, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा फ्रेंड। ओके, एंड इसको मैं तो यहां पर मैं आपको सेटअप बताने वाला, जैसे कि यहाँ पर सिंपल थोड़ा सा मार्केट देख लेते हैं 15 मिनट पे। मार्केट क्या ये अप है ना, यानी मार्केट क्या यू मूव कर रही है। ओके, यानी मार्केट जो मूव कर रही है ये यू मूव कर रही है। ओके, यहाँ से क्या हुआ, सपोर्ट पुल बैक हो रहा है, यानी कहने का ये स्ट्रॉन्ग जोन है ये एरिया। तो सिंपल आपको देखना यहाँ पर ये है कि प्राइस तो अभी यहाँ पर ऊपर चला गया, तो अभी तो अपन ट्रेड नहीं निकाल सकते, बट यहाँ पर अपन सेल पोजीशन के लिए थोड़ा सा हमको तो रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, तो डायरेक्टली दिस कैंडल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पेज टाइप ना, एंड स्विच 1 मिनट टाइम पर, तो डायरेक्ट आप सेल कर सकते हैं, डायरेक्ट एक कैंडल क्लोज होने बाद डायरेक्ट सेल कर सकते हैं विदाउट एनी कंफर्मेशन। करेक्ट, ये रहा सप्लाई जोन एंड ये रहा सप्लाई जोन एंड ये रहा सेल, ये रहा सेल एंड ये रहा आपका स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है एंड जो टारगेट है वो है आपका 80 पॉइंट का आपका टारगेट है ना। डायरेक्ट आप सेल कर सकते हैं यहाँ पर, नो एनी कंफर्मेशन, ओनली यूज सरप्राइज सेक्शन एंड सप्लाई डिमांड, डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। ओके, बट यहाँ पर नो प्रॉब्लम, यहाँ पर ऊपर नीचे थोड़ा सा प्राइस होगा, जब ये प्राइस बाउंस होती है यहाँ पर डरने का जरूरत है। देखिए, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, जैसे मेरी मेंटरशिप वाले जिन्होंने ज्वाइन किया, उनका क्वेश्चन था कि मतलब कि ऑप्शन में कैसे हम स्टॉप लॉस रखने का वही तरीका अपने मैं आप सभी लोग को बता दे रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो भी आप समझ लीजिए। स्टॉप लॉस रखने का आपके रिस्क रिवॉर्ड पर डिपेंड करता है ना, कितना आप रिस्क लेते हैं उस ट्रेड पे। सबसे पहले जो आपको फोकस करना है अपने सेटअप पे, उसके बाद आप फोकस करेंगे रिस्क रिवॉर्ड पे, विद कैपिटल के साथ कितना हम रिस्क ले सकते हैं अपने कमरे। अब ऐसा कोई पार्टिकुलर मैं आपको जादू मंत्र यहाँ पर नहीं बता सकता है ना, कि यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं यहाँ पर रखें। ओके, तो ये सेटअप है ना, सेटअप के साथ हमने कंबाइन किया यहाँ पर।
अब मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस क्यों रखा उसका भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए स्टॉप लॉस कैसा रखा जाता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था एंड इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर अभी दूर करता हूँ सभी लोगों को। तो यहाँ पर आप देखने का समझने की कोशिश की एंड यहाँ पर ये रहा बेस कैंडल है ना। एंड तो ये सिंपल बेस कैंडल यानी क्या, ये एरिया हमारा पूरा का पूरा डिमांड जोन एरिया एंड ये डायरेक्टली यहाँ पर टारगेट है ना। तो इजी टारगेट इजी सेटअप होता है ये, है ना, 1 मिनट चार्ट। ओके तो यहाँ पर रही बात है स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस रखने का ये क्या, ये स्मॉल रैली है बट स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। स्मॉल रैली है यानी रैली बेस एंड ड्रॉप, डायरेक्टली ड्रॉप है प्राइस, बट यहाँ पर क्या ये स्ट्रॉन्ग लेवल तो नहीं है ना। प्राइस क्या होती है ऊपर नीचे थोड़ा सा होती है, तो नियर बाई ये क्या है नियर रेजिस्टेंस लेवल यहाँ से ड्रॉप हुआ है। तो मैंने क्या किया, हो सकता है प्राइस इसके बीच में ऊपर नीचे हो, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर रखा। ओके तो स्टॉप लॉस रखने का मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कोई ऐसा पर्टिकुलर आप राइट वे आपको नहीं फाइंड कर सकते बट हाँ सेटअप होगा तब जाके आप फाइंड कर सकते हैं। अभी ये सेटअप रेडी है तो ये क्या यहाँ पर टू कैंडल्स है, अगेन यहाँ पर ग्रीन कैंडल अगेन यहाँ, तो ये क्या स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है ना। बट यहाँ पर क्या कि 1 2 कैंडल्स अगेन यहाँ पर ड्रॉप डायरेक्टली प्राइस, तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल हो सकता है ना, जिसके लिए हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा है ना कि इस सप्लाई जोन पे, इसीलिए हमने 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस समथिंग रखा है एंड 80 पॉइंट का डायरेक्ट टारगेट रखा है ना, 1:2 का रिस्क रिवार्ड है ना। और ये जो ये डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देगा मोर देन हमारे जो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये तो 80% 90% विनिंग रेशियो है, यानी ये विन होगा ट्रेड। ये मैं अपने एक्सपेक्टेशन अपने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ फ्रेंड, ये विन होगा ट्रेड। प्राइस क्या क्या कर सकती है आपके साथ जब ट्रेड प्लेस करते हैं क्या क्या कर सकती है फ्रेंड्स, वही चीजें आपको समझना पड़ता है, वहीं पर स्टॉप लॉस आपको मैनेज करना था। प्राइस क्या होती है डायरेक्टली कभी भी डाउन नहीं आती है ना, ये भी क्या स्ट्रॉन्ग रैली है, ये भी क्या स्ट्रॉन्ग रैली है। तो ऐसा नहीं है कि ये आपका सप्लाई जोन है तो यहाँ पर ये डायरेक्ट प्राइस आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है ना। जो जो चीजें आप इधर देख रहे हैं वही चीजें आप यहाँ पर भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि एक चीज यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग हो गया तो डायरेक्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी केस में होता है पर आपको मोस्टली कभी कभी रेयर केस में ऐसे होता है कि डायरेक्ट प्राइस आ जाती है वगैरह न्यूज वगैरह होते हैं, बट ऐसे में क्या होता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कुछ ऐसे ऐसे है ना, ऊपर नीचे यानी लोअर हाई कुछ रेंज बनेगा, कुछ डाउन आएगी फिर ऊपर जाएगा फिर आपके एंट्री लेवल पे जाएगा, तो कैसे ये मार्केट को आप ये मार्केट आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बट आप इतना जरूर जान सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ जो भी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं। मैं जो यूज करता हूँ प्राइस एक्शन प्लस सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट, तो प्राइस एक्शन सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट पे सिंपल यहाँ पर जोन जोन टू जोन यहाँ पर फोकस करते हैं है ना। तो ये रहा अपना जोन टू जोन, ओके ये रहा आपका सप्लाई जोन, ये रहा डिमांड जोन, तो डायरेक्टली यहाँ पर आपका टीपी है ना, डायरेक्टली ये रहा टचेस, ये पर 80 पॉइंट का टीपी है ना। बीच में क्या हो रहा है वहां पर अपने को दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है कि कैसे प्राइस ऊपर जा रही है कैसे नीचे रही है, सिंपल आपको बस इतना समझना है कि प्राइस जो है ऊपर जाने के बाद वो क्या कर रिवर्स हो सकती है। रिवर्स कब होगी जब ये स्ट्रॉन्ग एरिया होगा आपका सप्लाई, अदरवाइज अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो प्राइस क्या करती ब्रेक कर देगी, और इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया है आप जाके यहाँ पर वॉच कीजिए। ये रहा सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये है 3 दिन पहले मैंने यहाँ पर अपडेट किया, आप जाके जरूर वॉच कीजिए है ना, आप जरूर जाके वॉच करें तो आपको यहाँ पर डिटेल में मैंने बताया, ये 14-15 मिनट की वीडियो है। ओके दोस्तों तो कॉन्सेप्ट वही है फ्रेंड एंड सिर्फ आपको प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करना है, चीज़ों को डिटेल में समझने की ज़रूरत है। ओके क्योंकि एवरी डे यहाँ पर सेम सीनरी बनता है एवरी डे। ओके ओके दोस्तों तो जस्ट वेट करते हैं यहाँ पर एंड करंट टाइम अभी जो हो रहा है वो 2:38 हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर 9 मिनट हो गया है एंड वीडियो को मैं पॉज करता हूँ थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए, जैसे प्राइस ऊपर नीचे होता है तो मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। ओके जस्ट वेट, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्राइस जो है ड्रॉप हो चुकी है। ओके तो यानी प्राइस यहाँ पर फॉलो करेगा एंड यहाँ पर हम टाइमिंग देख लेते हैं 2:41, तो क्लियरली क्या है कॉन्फिडेंटली आपको प्राइस को रीड करना आना चाहिए फ्रेंड्स। ओके ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मैं बहुत से बहुत चीज़ें सेल्फ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस
डेवलप किया है, तो जो कि आप सीख सकते हैं, आपके पास वे हैं। दो तरीके से आप सीख सकते हैं। पहला जो तरीका है, आप वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं, जो कि वाच करके, एंड काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि आप खुद क्लियर कर रहे हैं वहाँ, है ना, खुद चीज़ों को समझ रहे हैं, खुद जो सही है जो गलत है वो खुद आप डिसाइड कर रहे हैं, है ना। तो जब आप खुद सेल्फ जब डिसाइड करते हैं तो वहां पर वक्त लगता है। आप हो सकता है कि ऐसा आप कहीं पर गलत हो, कहीं पर सही हो, है ना, तो वहां पर थोड़ा सा वक्त लगता है। ओके, दूसरा जो ऑप्शन है, आप क्या करते हैं, कोर्सेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, वैसे पार्टिकुलर ये बना के रखा हूँ, जब जरूरत होती है किसी को तो वो ज्वाइन करके आप अपना ट्रेड निकाल सकते हैं। बाकी है ना, ये डिटेल वगैरह आप देख सकते हैं, बाकी और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जितनी भी डिटेल अगर मेरे बारे में जानना है ना, ट्रेडिंग के बारे में, एवरी डे सी एवरी सिंगल डे का यहाँ पर आपको डेटा मिलेगा। जितना भी ट्रेड करता हूँ, यहाँ पर एक बड़े प्रॉफिट मैंने यूबीएल का पहले लिया, उसके बाद छोटा छोटा प्रॉफिट लिया, है ना। जब आपका, देखिए यहाँ पर, जब आपका एक बड़ा प्रॉफिट हो जाता है तो उसी प्रॉफिट का रिस्क लीजिए उसी प्रॉफिट में, है ना। जैसे आपका 10,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, है ना, तो 10,000 में से 4,000 5,000 का रिस्क लेके दूसरा ट्रेड कीजिए, है ना। कुछ और प्रॉफिट हो जा रहा है, तब उस प्रॉफिट में से क्या हो गया, फिर उसका पूरा रिस्क ले लीजिए, है ना। फर्स्ट ट्रेड का आपने प्रॉफिट का रिस्क लिया, सेकंड ट्रेड विन किया, जितना सेकंड ट्रेड का आपने विन किया आप पूरा का पूरा रिस्क ले लीजिए, क्योंकि आपका फर्स्ट ट्रेड का प्रॉफिट सेफ है ना। प्लस ब्रोकरेज वोकरेज कट जाएगा उसमें से, ज़्यादा ब्रोकरेज तो नहीं होता है, तो सिंपल सेकंड ट्रेड जो प्रॉफिट हुआ आपका पूरा का पूरा उसका रिस्क लीजिए। हो सकता है आपका थर्ड प्रॉफिट हो जाए, है ना, बट अगर कॉन्सेप्ट के साथ आप वर्क करेंगे तो आपका छोटा छोटा प्रॉफिट आपको हर एक ट्रेड से निकाल पाएंगे, है ना। एंड यहाँ पर आपको हर एक डे का आपको यहाँ पर डिटेल मिलता रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक डे का यहाँ पर मैं चार्ट भेजता रहता हूँ। एंड यहाँ से अब मैं आज से वीडियो भी यहाँ पर डालता रहूँगा, ताकि किसी को कोई भी चीज़ की कंफ्यूजन ना हो, चार्ट की या वगैरह कुछ भी। ओके दोस्तों, इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स। ओके, ग्रुप का लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में चाहिए तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देखिए, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, समझना ये है कि क्या हुआ, बायस इंटर हुआ, है ना। अब ऐसा नहीं कि प्राइस ऐसे डायरेक्टली है यहाँ पर ऊपर जाएगा, है ना। अब हो सकता है कि आपको इस एरिया को ऊपर वो चला जाए, ओके, ऊपर जाने के बाद रिजेक्ट होने के बाद फिर जाके डाउन आए, करेक्ट, ऐसा भी हो सकता है ना, जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस ऊपर भी जाए एंड फिर उसके बाद डाउन आए, है ना, क्योंकि स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर है, तो प्राइस के यहाँ पर स्पाइक यानी रिजेक्ट होगा, बायर क्या होगा, रिजेक्ट हो सकता है। ओके, बायर रिजेक्ट यानी ये सेलर से, यानी सप्लाई अगेन सेलर से इंटर, है ना, अगेन सेलर से इंटर, तो यानी क्या, फिर ये स्ट्रॉन्ग होगा। सेकंड टाइम जब सेलर इंटर होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटर होगा, तभी जाके क्या होगा, तभी जाके प्राइस को वो यहाँ तक ला सकता है ना। ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं, कुछ मैं आसान भाषा में समझ। अब यहाँ पर एक और सिनेरियो बनाया गया आपका, एम पैटर्न। एम पैटर्न क्या होता है, यू वाला। ओके, एम पैटर्न सिंपल ब्रेकआउट एंड रिटेस एंड गो डाउन। अब यहाँ पर क्या एम पैटर्न बना, ये आप देखेंगे स्मॉल एम पैटर्न, ये रहा क्लियर एम पैटर्न। ओके, ये प्राइस गया रिटेसमेंट के लिए, अगेन ऊपर नीचे थोड़ी प्राइस होगी, अगेन गोइंग डाउन। तो यहाँ पर अब आपको क्या मिल गया, आपको डबल कंफर्मेशन, एक मिल गया आपका चार्ट पैटर्न हो गया, ठीक है, एक चार्ट पैटर्न हो गया, दूसरा जो है वो सप्लाई जोन, है ना, सप्लाई जोन यानी एस मिस सप्लाई, डी मिस जोन, है ना, सॉरी डी मिस जोन नहीं, जेड मिस जोन, एस मिस सप्लाई, जेड मिस जोन, तो सप्लाई जोन। तो यहाँ पर क्या है, डबल कंफर्मेशन, है ना। ऐसी जगह आप क्वांटिटी में क्या करते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसी जगह क्वांटिटी के इंक्रीज तब किया जाता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बीच में, है ना, जहां पर आपने एंट्री लिया अगर उसके ऊपर प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जाती है तो यहाँ पर एंट्री लीजिए। ऐसे बीच में एंट्री लेंगे तो फिर आपका इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो हाई हो जाएगा। बाय द वे, अगर आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है तो काफी ज्यादा नुकसान होगा आपका लॉस, अरे, क्योंकि आप मिडल ऑफ द ट्रेंड आपका एंट्री ले रहे हैं। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें जब एंट्री टू लेते हैं। एंट्री टू तभी लेनी चाहिए जब फर्स्ट एंट्री को प्राइस ब्रेक कर रही है, थोड़ा बहुत ऊपर जा रही है, यानी 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर है, तब जाके एंट्री लिए तब आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, है ना। पर एंट्री टू लेते समय आपको बहुत चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, आपको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि प्राइस रिवर्स होगा या थोड़ी देर बाद या कुछ देर बाद प्राइस रिवर्स होगा, तब जाके एंट्री टू लिया जाता है, नहीं तो फिर नहीं लिया जाता, क्योंकि एंट्री टू में काफ़ी ज़्यादा आपको लॉसेस होने के चांस होते हैं। ओके, तो यहाँ से प्राइस आप क्या रिटेस्ट किया एम पैटर्न को एंड यहाँ पर गोइंग डाउन,
तो स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं फ्रेंड्स। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताता रहता हूँ, पर वीडियो बहुत है, कम केसेस में आपको मिलेगी अभी। एंड यहाँ पर थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, डायरेक्टली हम जंप करता हूँ डायरेक्ट से हिट होने की, जैसे हिट होता है टारगेट में डायरेक्ट आपको शो करता हूँ कि वीडियो फिर, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने बता दी यहाँ पर, आपको कुछ और समझने का जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली बस हिट होता है तो आप देखिए, फिर वहाँ पर मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको बताने की कोशिश करूँगा लास्ट में, जिससे कि मैं अभी मैं आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा, जैसे हिट होता है फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके देखिए, यहाँ पर मैं कुछ और अपडेट आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड। जब आपको कॉन्फिडेंस हो, आपको क्लियर पता हो कि ये एम पैटर्न्स वर्क करेगा, तो प्राइस ये क्या कर रही है, थोड़ा बहुत ये करेक्शन कर रही है ना। करेक्शन मीन्स प्राइस क्या होती है, जब ये चेंज हो रहा है तो स्मॉल अगर से लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर, डायरेक्टली यहाँ पर ड्रॉप है ना, इस एरिया से अगेन प्राइस बाउंस एंड अगेन डाउन अगेन रेंज, कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पर नहीं डिसाइड कर सकते है ना। तो कभी भी, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कभी भी जब आपको कॉन्फिडेंस हो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एम पैटर्न वर्क कैसे वर्क करता है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए सप्लाई एंड डिमांड वर्क कैसे वर्क करता है, फिर जाके आप रुक सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप जैसे कि बिना कॉन्सेप्ट के साथ अगर वर्क कर रहे हैं आप डायरेक्टली बिना समझे, तो फिर आप यहाँ पर एग्जिट होना ही बेहतर होता है ना, क्योंकि लॉस से अच्छा यही है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए, फिर यहाँ से एग्जिट होना ही बेहतर होता है। बट अगर आपको सारी कंफर्मेशन पता है तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। ओके फिर आप रुक सकते हैं तो आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा ही होगा फ्रेंड। ओके ये मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस की इन सारे पैटर्न्स पे, और फुल्ली कॉन्फिडेंटली मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रोंग कॉन्फिडेंस होगा, और ट्रेड भी अच्छे निकलेंगे, एंड डे बाय डे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, एंड आपको प्रॉफिट तो, आपका पैसा तो बनेगा ही, वो तो अलग बात है ना। तो फोकस ओनली लर्निंग माई डियर फ्रेंड्स, नॉट अर्निंग। जस्ट वेट फ्रेंड्स, फिर से हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, 2:50 अभी टाइम है, अभी मार्केट चलेगा तो ऊपर नीचे फिर से होगा, देखते हैं क्या होता है, जस्ट वेट। तो प्राइस क्या किया, अगेन सप्लाई जोन पे रिटेस्ट किया। ओके अब इस बार क्या हुआ, यहाँ पर शैडो क्या हुआ, ब्रेक किया। अगर मैंने नियर यहाँ पर सप्लाई जोन पे अगर सॉरी अगर मैंने नियर बाय यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस रखा होता तो यहाँ पर क्या होता, हिट हो जाता। अब यहीं पर समझने वाली बात यह है कि ये जो सप्लाई जोन है यहाँ पर क्या है कि ये वीक एरिया है ना, ये स्ट्रॉन्ग ड्रॉप है, यानी क्लियर सप्लाई नहीं, यहाँ पर बायर सेलर बायर सेलर, तो यहाँ पर क्या है वीक एरिया है ना, बट वीक एरिया है बट यहाँ पर प्राइस क्या है ड्रॉप यहाँ से, तो ऐसे में क्या होगा, फेक ब्रेकआउट करके इस लेवल से प्राइस क्या करे गोइंग डाउन आगे, तो इसीलिए मैंने क्या किया स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर रखा है। तो जब भी प्राइस यहाँ पर फेक ब्रेकआउट या फेक आउट होगा तो प्राइस क्या होगी डायरेक्टली ड्रॉप होगी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में आपको स्टॉप लॉस हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना चाहिए। ये क्या, ये वीक एरिया जिसकी वजह से ये फेक आउट हो रहा था, अगेन प्राइस क्या हो सकती है फेक आउट कर सकती है, अगेन यहाँ पर प्राइस क्या होती है ड्रॉप हो सकती है ना, बट यहाँ पर क्या इस एरिया तक प्राइस नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पर क्या ये अगेन यहाँ पर क्या है स्ट्रॉन्ग लेवल, तो इस एरिया को प्राइस अगर ब्रेक करती है तो कम्प्लीटली आपका ये सेटअप ये है जो फेल हो जाएगा, फिर आपका लॉस है ना, क्योंकि सारा मेथड यहीं तक है, इसके ऊपर अगर प्राइस जाती है तो कहीं ना कहीं ये सेटअप रॉन्ग है, कहीं ना कहीं हमने जो प्रेडिक्शन किया है वो रॉन्ग है ना। तो ये इंपॉर्टेंस रखता है फ्रेंड्स, आपको कम्प्लीटली आपको क्लियरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको चीज़ें अच्छे समझ आएगी। तो जस्ट वेट अगेन, फिर से हम आज थोड़ा वेट करते हैं, अभी भी मार्केट है तो ऊपर नीचे प्राइस होगी, बट यहाँ तक हमने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्राइस आएगी, डोंट वरी माई डियर फ्रेंड्स, जस्ट वेट। तो ओके माई डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर प्राइस क्या है ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया है, तो बस अब अपने को थोड़ा और वेट करना है, क्योंकि नियर बाई है प्राइस, तो अभी जो टाइम हो रहा है 3 बजा, 3 बज गए हैं, बस थोड़ा सा वेट करना फ्रेंड, अब यहाँ पर कब प्राइस हिट होती है अब देखते हैं कब तक होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या क्या सिचुएशन हमको आती है ना, मतलब आप सोच सकते हैं जो इमोशन जो डर होता है वो धीरे धीरे जाता है, अब जब अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो ये सब चीज़ें जो होती है यहाँ पर फेक आउट ये सब चीज़ें, तो ये सब प्रैक्टिस से ही अनुभव होता है, एंड ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एंड अच्छे से सीखेंगे चीज़ों को समझेंगे तो डेफिनेटली माई डियर फ्रेंड आप प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट से। ओके दोस्तों, तो ये रहा अपना टारगेट, हिट हो गया ऑलमोस्ट। ओके।
तो आई होप फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको पूरी की पूरी क्लियर होंगी, समझ में आए कि कैसे ये वर्क करता है, सप्लाई एंड डिमांड प्लस प्राइस। और ये लाइव प्रेडिक्शन इसलिए करके मैं आपको दिखाया ताकि आपको डिटेलियस सॉरी क्लियर समझ में आ जाए कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे प्राइस डाइवर्ट होती है ना, ड्राइव होती है कैसे प्राइस। ओके तो चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको सबसे पहले। ओके ट्रेड बिल्कुल मत कीजिए, मैं तो कहता हूँ सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए, तो वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस जो है धीरे धीरे इंक्रीज होता है। ओके और राइट डायरेक्शन में करेंगे तब, राइट डायरेक्शन में सही चीज़ों को जैसे प्राइस एक्शन सप्लाई एंड डिमांड है ना अच्छे से फाइंड कीजिए, अच्छे से ट्रेड कीजिए, तो फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा फ्रेंड्स। ओके तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को वॉच करने के लिए, आई होप आपको ये सारा का सारा डिटेल समझ में आया होगा जो आज का मैंने एक्सप्लेन किया है बैंक निफ्टी का लाइव प्रिडिक्शन। एंड टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और जितने भी मैं ट्रेड लेता हूँ अगर मेरे बारे में जानना है तो अगेन आप टेलीग्राम में सारी इन्फॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे अपडेट करता हूँ, आप जरूर जाके चेक कर सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।